बढ़िया मौसम है। वेलकम टू श्रीनगर गाइस, स्वागत चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। वेलकम टू दिस एपिक तूफानी लद्दाख राइड प्रोटेक्टेड बाय राइडा गेव्स। हम लोग रेडी है टू एक्सप्लोर कश्मीर थोड़ा बहुत। अभी प्रॉब्लम यह हो गया है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हुई सुबह, तो भैया बोल रहे थे यहाँ पे कि हम लोग जाने वाले थे गुरेज वैली, लेकिन वहाँ पे शायद ब्लैक आइस वो ऊपर है, वहाँ पे स्नो होता ही अगर यहाँ पे क्लाउडी है तो वहाँ पे आप मत जाइए, रिस्की है, क्या कर सकते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं गुलमर्ग, क्योंकि अभी गए नहीं है। गुलमर्ग बाइक ट्रिप, बढ़िया सा रोड है, कोई टेंशन नहीं है। और यार अपना तूफान एकदम चिल्ड, इतनी ठंडी तूफान ने कभी देखी ही नहीं होगी, इतनी ठंडी ये राइड में देखी है। -7 तक मैंने यहाँ पे टेम्परेचर देखा था। अरे देखो कल का धूल भाई, झुझिला। चलो कोई बात नहीं। और ये देखिए भाई, मेपल लीफ, आई थिंक इट इज अ मेपल ट्री, जो सिर्फ ऐसे पहाड़ों में ठंड जगह पे पाया जाता है। कितना बड़ा लीफ है यार। चलो तूफान हो रहा है, कोल्ड स्टार्ट, चलिए। ओके जी, स्वागत है आपका श्रीनगर की गलियों में। बहुत ही प्यारा वेदर है, लेकिन सनी होता तो बेटर होता। और यहाँ पे भाई जबरदस्त लेवल की सिक्योरिटी होती है हर जगह पे। हमको CRPF कमांडो, यहाँ की पुलिस, बाप रे बाप, ऐसा लगता है क्या हो क्या रहा है इधर। ये देखो यहाँ पे फुल तैनात। ऐसे डरने की कोई बात है नहीं, अब हमारे सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज टू नहीं है ना ये सब देखने के लिए, तो जो पहली बार आता है उसको ऐसा लगता है कि भाई क्या कुछ हो तो नहीं क्या यहाँ पे। मतलब होटल्स, घर देखो ना कितने खूबसूरत है यार। एक बार तो मुझे स्नो में आना है श्रीनगर। अब 2-3 साल पहले हो जाता लेकिन नहीं हो पाया। वाह भाई, ये कौन सी गाड़ी है भाई, खतरनाक। क्या है वो टैंक है वो 47 लेफ्ट, और ये रास्ता ले भी जाता है। ये देखो भाई खतरनाक सीन है यहाँ पे। वैसे कश्मीर से अगर कोई देख रहा है, कोई अपना सब्सक्राइबर है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मुझे पता ही नहीं अपने कश्मीर में कोई है क्या सब्सक्राइबर्स, जम्मू से तो काफ़ी है। हाँ 13 डिग्रीज, बहुत ही गुलाबी गुलाबी ठंड। यहाँ से लेफ्ट है गुलमर्ग, गेटवे टू गुलमर्ग 38 किलोमीटर। पूरा जो वैली एरिया है ये पूरा फ्लैट एरिया है, और गुलमर्ग जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर है, तो वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। अब पता नहीं, अब शायद नहीं होगा। वैसे टूरिस्ट हमको ज़्यादा दिख नहीं रहे, शायद ये सीज़न नहीं है एक्चुअली। अब सीज़न तो आने वाला है नवंबर के बाद, शायद भर भर के टूरिस्ट है। पूरा रोड है, ट्रैफिक जाम होता होगा इधर। बहुत होटल्स है ये रोड पे स्टे के लिए, खाने के लिए। तो इनकेस कश्मीर आप आ रहे हो, श्रीनगर आ रहे हो, गुलमर्ग जाना है, यहाँ पे भी रुक सकते हो। देखो कितना बढ़िया रिसोर्ट है यार, वाह, फुल कश्मीरी फील, कश्मीरी वाइब्स। अब वहाँ पे थोड़ा फॉग हो सकता है, ठंडी पड़ चुकी है। देखो 10 डिग्री, थोड़ा सा ऊपर आके ठंडी पड़ गई यार। वेलकम टू तंगमर्ग गुलमर्ग। कितना 40 रुपीज़। आईडी क्या है सर? चलो चलो, तो यहाँ पे 20 रुपये चार्ज है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आएंगे, आपको पूछेंगे ये कर रहे वो करे, ये पैकेज वो पैकेज, थोड़ा संभल के अपना एजेंट खुद ही पकड़ो, वो बेटर है। इन लोग के पीछे लगोगे तो बहुत पैसा जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत बढ़िया। देखो क्या सीन है, हाँ 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 हाँ। यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी है ना कि ऐसा लगता है साला कैमरा चालू रखूँ नहीं रखूँ, मेरे को डाउट है यहाँ पे ड्रोन वन उड़ा पाएंगे साला। अब इतने सिक्योरिटी टाइट है, क्या ड्रोन उड़ाएंगे। वाओ नाइस, रोड भी अच्छा है, क्या बात है। तो इतना ये पूरा स्नो में होता होगा, थोड़ा गीले गीले सरफेस पे थोड़ा आराम से लेना पड़ेगा, ब्लैक आइस का खतरा हो सकता है। ठंडी तो है यार, 8 डिग्री हो गया। क्या जगह है यार, मुझे पता ही नहीं था इतना खूबसूरत है। ओके बारामुल्ला राइट गुलमर्ग ऊपर।
गाड़ी का जो ब्रीदिंग है ना आरपीएम थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज एयर फिल्टर 100% थोड़ा सा चोक हो गया होगा, तो अभी वो वापस जाएंगे तो ही क्लीन करेंगे, क्योंकि इतने सारे अपने पासेस धूल मिट्टी वाले एरिया क्रॉस किए, इसकी वजह से होता है, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि परफॉर्मेंस एयर फिल्टर होता है, ऊपर से गाड़ी को बहुत ज़्यादा एयर लगती है ना, चार सिलेंडर है तो ज़्यादा एयर खींचता है और उतना ही धूल फिर अंदर जाता है। कल तक हम ऐसे जगह पे थे जहाँ पे बिल्कुल भी हरियाली नहीं थी, पूरा ड्राई डेजर्ट था, और अभी देखो इतनी हरियाली की पलके झपका नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लगता है देखते रहूँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। वो देखो ऊपर फॉग, ऊपर तो अपने को फॉग ही मिलेगा शायद। ओके, फॉग हो गया शुरू, ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। और एक कैरन करके गांव है जो पीओ के को लग के है, तो वहाँ से आप पीओ के देख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आपको बताता हूँ क्या है। 8 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप्स, मतलब पकड़ लो 10 घंटे, एक पूरा दिन लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए, और वहाँ के रास्ते पता नहीं। सेकेंडली, इतना दूर जाके आने में बहुत वक्त लगेगा जो हमारे पास ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक दिन उधर रुकना पड़ेगा वापस, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा जाएगा, और हम ऑलरेडी 12 दिन हो गए हम घर से बाहर हैं। आई रियली वॉन्ट टू गो, लेकिन स्पेशल कश्मीर की ट्रिप करनी पड़ेगी शायद, तब जाके यहाँ का बहुत सारा एक्सप्लोर हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत दूर है। गुलमर्ग से सीधा प्रसारण, आपका होस्ट आपका दोस्त अक्षय पाजी। क्या वादिया है पाजी, बड़ी सुंदर वादिया है। यहाँ पे हो गए भाई झगड़े गुलमर्ग में। एक मिनट। अरे क्या कर रहे हो यार, लोगों को तो जाने दो। यहाँ पे हो गए थे थोड़े झगड़े, लेकिन होता रहता है छोटी छोटी बातें बड़े बड़े डेस्टिनेशंस पे। ये इधर पार्किंग, मार्केट भी है यहाँ पे, छोटे छोटे दुकान, सही है। गुलमर्ग इज नो पॉलिथीन जोन। ओहो क्या बात है, यहाँ पे मस्त है का ठिकाने, खाना वाना खाएंगे मस्त। आज बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, है तो बड़ा खूबसूरत। चलो गाड़ी पार्क करता हूँ और फिर देखते क्या करना है। नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए भाई, आ गया हमारा खाना, कश्मीरी वाजवान। तो यह चिकन कबाब सूप, भाई गर्मा गर्म सूप पी के बड़ा मजा आएगा यहाँ पे, और शांति है, टूरिस्ट बहुत कम है तो अच्छा लग रहा है, शांति है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि यहाँ कश्मीर में ना थोड़ा तीखा खाना पसंद करते लोग, और इनका तीखा थोड़ा अलग होता है, हमारा तीखा थोड़ा अलग होता है, ये थोड़ा मसालेदार तीखा होता है, मस्त लगता है। कश्मीरी वाजवान तो मैंने पहले खाया है भाई, बड़ा मजा आता है। वाह, ऐसे कबाब नहीं खाए। इसको चाहिए खाना। अब मैं खा रहा था तो एक निवाला नीचे गिर गया, बोलते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाने का नाम, बस वही हुआ है। यहाँ पे देखो वापस आ गया, वो निवाला उसी का था। ओहो ये देखो, ये नान, अलग ही नान है, और यहाँ पे चिकन कांति, तो ये भी कश्मीरी वाजवान है। अब ये खा लिया, अब ये खाएंगे, और क्या तीखा है यार, क्या मजा आ रहा है यहाँ पे खाने में, अलग ही तीखा है, अलग ही टेस्ट है। ये चटनी भी पता नहीं कौन से देखते हैं भाई, ये अगर मिल गया ना मार्केट में जरूर लेके जाऊंगा। चलो कांट वेट। और गाइस ये देखो, खाना खाते खाते हमको क्या दिख गया, तो गुलमर्ग फेमस है गंडोला राइड के लिए, मतलब रोपवे से जाते ऊपर और फिर वहां तक जाते हैं, वहां पे तो स्नो है। ओके, प्लान में आ चुका है चेंज, हमने सोचा चलो आ गए यहाँ तक तो गंडोला राइड करते है, फेज 1 तक जाते हुए देखो रोपवे, मजा आएगा। वीडू बस अभी 3:30 बजे लास्ट है, अब हमने टिकट तो निकाल लिया, 3 यहाँ पे बच गए बस, आई होप एंट्री हो जाए। क्या मस्त है रे, क्या है ये होटल है, अच्छा गंडोला का एंट्री है लगता है। ओहो क्या खूबसूरत है यार ये एरिया। चलो जी आ गए अपन गंडोला राइड, सुपर एक्साइटेड। देखो गाइस 2-3 मिनट हुए बस, कितना ऊपर आ गए हम लोग। ये कौन से टाइप के घर है भाई, भाई पता नहीं क्यों ये रुक क्यों गया भाई, ये तो बंद हो गया, शुरू हो गया।
चलो आ गए अपन यहाँ पे फेज वन। ये कुछ 3000 मीटर के आसपास है इसका अल्टीट्यूड, लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ से जो केबल कार जा रही है इसका अलग से टिकट है। हमने निकाला वो 800 रुपए का टिकट था, ऑनलाइन ही निकलता है या तो आप लोकली एक कहीं पे शॉप से वहाँ पे भी निकाल सकते हो, 50 रुपए ज्यादा लेते हैं। ये वाला टिकट अलग है भाई, ये जाता है फेज टू जो सीधा है देखो बर्फ बर्फ में ऑलमोस्ट कितना 12-13 हजार फीट की हाइट पे। उसका 1000 रुपए आई थिंक टिकट ही है, मतलब अगर आपको कंप्लीट नीचे से ऊपर तक जाना है तो आपको 1800 रुपए लगेंगे एक बंदे के। लेकिन यार वादिया देखो कितना खूबसूरत है यार। वाह क्या वादिया है। और यहाँ पे देखो घोड़े भी है, खज्जर घोड़े, तो आई थिंक उससे भी आप आ सकते हो, लेकिन अभी केबल कार है तो फिर क्या ही। और वो जो वहाँ पे देखो केबल कार दिख रही है ना, वो केबल कार शायद पुरानी वाली। अब सोचो भाई ये ओपन है, हम लोग जो आई है एटलीस्ट क्लोज थी, पहले तो ओपन थी शायद फुल वाट। लेकिन आई एम वेरी श्योर यहाँ पे बर्फ के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती होगी, बहुत ही ज्यादा। स्कीइंग भी करते होंगे शायद लोग, हमें तो आती नहीं है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। चलो इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस, मजेदार जगह है, पैसा वसूल जगह है गाइस। गुलमर्ग आओगे और ऊपर नहीं आओगे तो मतलब गलती कर देते हम अगर हम यहाँ नहीं आते तो। मैंने पहले सोचा था कि फैमिली के साथ आएंगे, फैमिली के साथ जरूर आएंगे, लेकिन अब तो पता चल गया कि क्या जगह है। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 4:30 बजे लास्ट शायद केबल कार होती है, तो अपन नीचे आते हैं, वापस श्रीनगर भी जाना है। चलिए ओ स्पेशल कार ले ली भाजी, कोई नहीं है, बढ़िया हो रहा है। देख क्या स्पीड से जा रहे हैं हम लोग, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, कंप्लीटली पैसा वसूल। सो पहुंच गए हम वापस नीचे ऊपर, देखो क्या खूबसूरत सीन हो गया है, मतलब खूबसूरत तो खत्म ही नहीं हो रही है। कहते हैं दुनिया छोटी है, ये सच बात है। ट्रिप में मैंने बहुत सारे लोग मुंबई से देखे, स्पेशली फ्रॉम ठाणे मुलुंड, मतलब ये मुंबई के हम ठाणे मुलुंड ठाणे। हेलो सर, गिरीश, क्षितिज, तो ये लोग फैमिली ट्रिप पे है और हमारी गाड़ियों का नंबर इन्होंने देख लिया यार तुरंत, अरे ठाणे कर बड़ा वाटल सर बेटा तुम्हारा। आप लोग को भी अगर चांस मिले तो जरूर आना, मस्ट विजिट कश्मीर। निपण हेल कदी फैमिली सोबत, थैंक यू सर। तो आ गए हम इस व्यू पॉइंट पे, इसको कहते हैं सनशाइन पीक व्यू पॉइंट, शायद सनशाइन का एक पीक पूरा ग्लो होता होगा। चलो आपको अच्छे से दिखाता हूँ। चलो ये व्यू तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे देखो बादलों में बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, बड़े बड़े, बाप रे। गुलमर्ग आने से एक बात तो तय हो गई कि कश्मीर की एक स्पेशल राइड होगी, स्पेशल कब होगी पता नहीं लेकिन होगी, पूरा कश्मीर छान निकालेंगे, अच्छे से घूमेंगे। चले चलो लेट्स गो। ये हमारा शायद आखिरी दिन है कश्मीर में, मतलब ये ट्रिप का वापसी अभी शुरू हो सकती है। ये खूबसूरती छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अरे मौसम बेईमान हुआ आज पहली बार, लड़के दिल बार बार। चलिए श्रीनगर पहुंच चुके हैं, अभी जिम्मा है अक्षय के हाथ में क्योंकि इंटरनेट नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, तो अभी पता नहीं कैसे करेंगे, जहां जहां अक्षय जाएंगे वहां वहां हम उनके पीछे। ऑलराइट आ गए रूम पे और अभी बजे है 7:20, अभी एडिटिंग को बैठता हूँ। पहले कुछ एपिसोड में आपने मेरा चेहरा देखा होगा, थोड़ा ठीक लग रहा था, अभी तो मैं खुद को देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है भाई कितना थक गया है यार, मतलब पूरा टैन और अजीब सा हो गया है, ठंडी में ऊपर से वाट लगती है, हाई अल्टीट्यूड में तो और ज्यादा वाट लगती है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो, अच्छा लगा था डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक बटन प्लीज दबा देना यार, बिना लाइक के मत जाना, उससे क्या है कि अपने को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तो खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। और 3,500 किलोमीटर से ऊपर हो गया घर छोड़ के, अभी और यहाँ से घर नहीं भी पकड़ा तो 2,500 किलोमीटर तो है ही, और अगर हम और घूमे तो और 3,000 किलोमीटर, मतलब भाई 6,000 किलोमीटर क्रॉस हो जाएगी गाड़ी, गाड़ी का ओडो हो गया 15,000, लाई थी तब 5,000 थी, 10,000 तो हो भी गए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।